उनके लिए भी नया है क्योंकि ऑब्वियसली प्यार किसी और से था, शादी किसी और से हो गई, और मुझे भी टाइम लगेगा दोनों की केमिस्ट्री को समझने में। सुशीला का स्ट्रॉन्ग हेडेड नेचर, थैंक यू। फीलिंग इज गुड, वार्म फैमिली, अच्छा वेलकम है, एंड आज तकरीबन फर्स्ट डे है शूट का, सो लेट्स सी हाउ इट गोज, आई एम रियली 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 एक्साइटेड। मैडी थोड़ा आई वुडन्ट से सॉफ्ट है, बट एक थोड़ा पोलाइट, राइट, पोलाइट सॉफ्ट एक ही होता है, बट या थोड़ा पोलाइट नेचर का है, एंड शी इज अ लिटिल स्ट्रॉन्ग हेडेड, तो देखते हैं कैसी केमिस्ट्री रहेगी इन दोनों के बीच में। मैडी आई थिंक जैसे जैसे सिचुएशंस अनवाइंड होगी वो उसी तरह से हैंडल कर लेगा, बट आई एम श्योर वो अपनी वाइफ के बीच में और अपने फादर के बीच में थोड़ा सैंडविच हो जाएगा, सो आई थिंक दैट्स माय एस्केप। यस आई थिंक उस उनके लिए भी नया है क्योंकि ऑब्वियसली प्यार किसी और से था, शादी किसी और से हो गई, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, और फादर को भी टाइम लगेगा उनको एक्सेप्ट करने में, और मुझे भी टाइम लगेगा दोनों की केमिस्ट्री को समझने में। या ऑफ कोर्स ट्राई करेगा, क्यों नहीं ट्राई करेगा, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट्स है, तो दोनों कैसे एक दूसरे के लिए अपनी अपनी थोड़ी चीज़ें अनफोल्ड करेंगे, थोड़ा एक दूसरे के लिए एक दूसरे को समझेंगे, एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी विल मीट इन द मिडल। नहीं आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, बट यू नेवर नो। आई थिंक सुशीला का स्ट्रॉन्ग हेडेड नेचर, बिकॉज कहीं ना कहीं मैडी वो देखता है लोगों में, दूसरों में जो उसमें इतना नहीं है, एंड उसे वो बहुत पसंद आ गया, तो आई थिंक एक वो चीज़ है। ही इज गॉट अ लिटिल, आई डोंट नो इफ द वर्ड इज करेक्ट, इट्स कॉल्ड प्रिंसली सिंड्रोम, ओके, सो ही इज गॉट अ लिटिल नो अ लॉट ऑफ प्रिंसली सिंड्रोम, and he is extravagant, he is very generous, and he is a very metro kind of a guy, and I had never played such a character before, so obviously it's always exciting to play a new character. How is it working with Sheila? She's cool, yeah, she's cool. I mean, I spoke to her, she's from Mumbai, I'm from Mumbai, so this is it, where we hit off, we have a common ground, our city. नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। डू वॉच मी इन काटेलाल एंड सन्स एज मैडी, एंड प्लीज गिव मी लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।